एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वो साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं जा करके देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब मैं उस आश्रम में गया तो वहाँ एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी के सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वो नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के आजकल आपने देखा होगा कि YouTube पर एक T2S वीडियोस का बहुत ट्रेंड चल रहा है। T2S यानी दोस्तों टेक्स्ट टू स्पीच। दोस्तों ऐसी वीडियोस में एक कहानी होती है जो कि स्पीच के माध्यम से उसको बोलकर बताया जाता है। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर टेक्स्ट लिखा हुआ चलता है और कहानी उसको रीड करते हुए आगे बढ़ती है। तो दोस्तों इस तरह की हिंदी स्टोरीज़ के आपने बहुत सारे चैनल यूट्यूब पर देखे होंगे। तो दोस्तों वो किस तरह से बनाते हैं और कौन सी एप्लीकेशन से बनाते हैं? दोस्तों वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, पर इस इनकी जैसे माइक मॉन्स्टर हुआ, वॉइस ओवर हुआ, लेकिन दोस्तों वो सब पेड है। आप वहाँ पर जाते हो तो वहाँ पर कुछ लिमिटेड टेक्स्ट ही आपको ऑडियो में कन्वर्ट करके देगा दोस्तों। उसके बाद वो आपसे पेड करने के लिए मांगता है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जहाँ से आप फ्री में अनलिमिटेड टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कर सके? तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिससे आप फ्री में अनलिमिटेड टेक्स्ट को अपने ऑडियो में कन्वर्ट कर पाएंगे। और दोस्तों उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके प्ले स्टोर में ही वो एप्लीकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने अपना प्ले स्टोर खोल लिया है दोस्तों। यहाँ पर आप सर्च करेंगे जाके, ये रहा T2S दोस्तों, इस नाम से सर्च करना है आपको T2S। ये देखिए दोस्तों ये एप्लीकेशन आ चुका है आपका। व्हाट्सएप जैसा कुछ कुछ इसका लोगो दिखाई देगा आपको, तो इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ और आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ जल्दी। तो ये देखिए दोस्तों हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरह से ये कुछ इसका इंटरफेस दिखाई देगा। इससे पहले दोस्तों ये आपसे कुछ परमिशंस वगैरह मांगेगा और आपकी कंट्रीज़ मांगेगा। तो आपकी कंट्री जो भी हो, इंडिया या और कोई भी हो, तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से मैं आपको बता दूँ इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ से सेटिंग में जा कर के आप यहाँ देखिए आपकी स्पीच वगैरह जो भी है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ से ये लैंग्वेज सेट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे लिखा हुआ है और इंग्लिश लैंग्वेज सेट की हुई है, तो हमें इसे हिंदी में करना है। तो यहाँ से सेम क्लिक कीजिए और अपना इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए इंडिया, इंडिया में भी दोस्तों आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ करूँगा इंडिया टू लोकल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम कर लेंगे लैंग्वेज हमारी हिंदी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सेटिंग को यहाँ नहीं छेड़ना है ज़्यादा, जो भी है वो इनफ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी सेटिंग हो चुकी है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट डालना है जिसको ये ऑडियो में कन्वर्ट करेगा, तो उसके लिए हमें एक टेक्स्ट चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट डालते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ, ये देखिए ये टेक्स्ट मैंने बना बहुत बढ़िया हुआ है, तो हम इसे कॉपी एंड टेक्स्ट। ठीक है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये टेक्स्ट आ चुका है मेरा। अब इसे हम इसका हम वॉइस ओवर करते हैं दोस्तों। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, खाली ये टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी करके और इसे नीचे ये देखिए प्ले का बटन दिख रहा है, इसे प्ले
डिस्प्ले कर देना है दोस्तों, एक बार रीड करके चेक कर लेना है कि हमारा टेक्स्ट किस तरह से आ रहा है। अविनाश सुबह समय पर उठा नहीं तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा, माथा तप रहा था। संस्कृति घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था, 9 दिन से वह खांस नहीं रहा था। संस्कृति ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा टेक्स्ट ऑडियो में कन्वर्ट। अब कुछ नहीं, अब हम इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ 3 डॉट पर, ये देखिए दोस्तों ऊपर 3 डॉट है, यहाँ पर जाएंगे एक्सपोर्ट ऑडियो फाइल, दूसरे नंबर का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है दोस्तों, ये देखिए। और ये आपका ये मांगेगा यहाँ से सेव, तो हमें कुछ नहीं करना, सेव कर देना है। तो ये हमारे मोबाइल में, ये देखिए दोस्तों, ये ऑडियो हमारे मोबाइल में एक्सपोर्ट हो रहा है। और उसके बाद इस ऑडियो को आप अपनी वीडियोज़ में ईजिली यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। या फिर आपको नेट बंद करने के बाद इसे एक्सपोर्ट करना है तो ये ऐड भी नहीं आएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारा एक्सपोर्ट ऑडियो फिनिश हो चुका है, तो हम इसे क्लोज कर देंगे। अब हम इसे एक बार हमारे फ़ोन में देखते हैं दोस्तों, ये किस तरह से सेव हुआ है। तो इसके लिए मैं जाऊंगा अपने फाइल मैनेजर में, माई फाइल्स में, ये ऑडियो और ये डाउनलोड। तो ये देखिए दोस्तों, ये सबसे टॉप पर दिखा रहा है हमारी ऑडियो, ये वाली। चलिए हम इसको भी एक बार प्ले कर देते हैं ताकि आपको। अविनाश सुबह समय पर उठा नहीं तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा, माथा तप रहा था। संस्कृति घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था, 9 दिन से वह खांस नहीं रहा था। संस्कृति ने कल इसी वजह। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितनी खूबसूरती से हमें इसने अपना जो भी है टेक्स्ट वो ऑडियो में कन्वर्ट करके दिया है। और भी दोस्तों इसमें सेटिंग्स आप कर सकते हैं, अगर स्पीच की स्पीड आपको कम या ज़्यादा करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार दोस्तों। बाकी मैं चाहूँगा कि इतना ठीक है। और भी आपकी वॉइस भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मेल या फीमेल, तो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ये सारी सेटिंग्स आप करके रखिएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, और दोस्तों इसकी ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें आप जितना चाहें उतना बड़ा टेक्स्ट एक ही बार में ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत बड़ा टेक्स्ट भी आप आसानी से अपने ऑडियो में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतना बड़ा स्पेस दिया हुआ है और कोई लिमिटेशन नहीं है फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर दोस्तों आपको हिंदी स्टोरीज़ के ऊपर पूरी वीडियो देख चाहिए कि हिंदी स्टोरीज़ कैसे बनाते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी एक पूरी फुल वीडियो ज़रूर बना कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।